इंदौर सेंट्रल जेल में कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए और शहर में मास्क की कमी के चलते कैदियों द्वारा मास्क बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। कैदियों द्वारा बनाए जा रहे मास्क केवल 10 रुपए में बेचे जा रहे हैं। वहीं सोमवार को सेंट्रल जेल में कैदियों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें कैदियों के सभी प्रकार के चेकअप किए गए। जेल अधीक्षक राकेश भांगरे की माने तो यदि सरकारी हॉस्पिटल से मास्क बनवाने के ऑर्डर आते हैं तो हम कैदियों से जल्द बनवा सकते हैं। जेल में मास्क बनवाने की पहल कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए किया गया है। सेंट्रल जेल अधीक्षक राकेश भांगरे ने बताया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए इंदौर के सेंट्रल जेल के कैदी सूती कपड़े से मास्क बना रहे हैं। कैदियों द्वारा प्रतिदिन में 500 मास्क तैयार किए जा रहे हैं। कैदियों द्वारा बनाए गए इस मास्क को बंदी, स्टाफ और कैदियों से मिलने आने वाले परिजनों को दिया जा रहा है। ज्यादा मात्रा में मास्क तैयार हो जाने पर इसे 10 रुपए में इंदौर वासियों को उपलब्ध करवाया जाएगा। करना ही है, लेकिन आज जो निरीक्षण सबने आयोजित हुआ है ये माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देशानुसार हुआ है और माननीय न्यायालय के निर्देश है कि मध्य प्रदेश की जितनी भी जेलें हैं, चाहे वो केंद्रीय जेल हो चाहे जिला जेल हो, सभी में बंदियों के निरीक्षण स्वास्थ्य शिविर लगाया जाए और प्रथम चरण में जो है केंद्रीय जेलों को चयनित किया गया था। तो आज 16 तारीख सभी मध्य प्रदेश की जेलों के भांति केंद्रीय इंदौर में भी आज जो बंदी है उनका परीक्षण शिविर स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया है और इस शिविर की मुख्य विशेषता यह है कि यह वृहद स्तर पर आयोजित किया गया है। इसमें हमने अपनी जेल के सभी 2646 बंदियों को उपचार के लिए यहाँ परीक्षण के लिए प्रस्तुत किया है और इसमें जिला चिकित्सालय के जितने चिकित्सक हैं वे और MYH के चिकित्सा विशेषज्ञ की लगभग 30 लोगों की टीम यहाँ पर बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है और साथ ही साथ स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के अतिरिक्त यह है कि यहाँ पर जो बंदी हैं अंडर ट्रायल्स के रूप में, जिनके पास वकील नहीं है या जिनको लाभ की जानकारी नहीं है या कोई कानूनी उनकी सहायता की आवश्यकता हो तो यहाँ पर विधिक सहायता शिविर भी आयोजित किया गया है। जिन बंदियों को विधिक सहायता संबंधी प्रॉब्लम है वो विधिक सहायता के निराकरण करवा रहे हैं और जो बंदी बीमार है या किसी बीमारी से ग्रसित है तो वो अपने चिकित्सा विशेषज्ञ से अपने वायरस का जेलों में साफ सफाई का विशेष ध्यान हम रख ही रहे हैं। साथ ही हमने अभी रिसेंटली हमने अपने बंदियों के लिए यहाँ पर मास्क तैयार कर लिए हैं और सभी बंदियों को मास्क उपलब्ध करा रहे हैं ताकि अगर कोई ऐसा बंदी नई आमद में आता है, नया प्रवेश होता है तो उसका परीक्षण होने के बाद ही उसको अन्य वार्डों में डाला जा रहा है। साथ ही हमने एक वार्ड चिन्हित कर लिया है जिसमें जो आमद वाले बंदी हैं एक वार्ड में रखे, परीक्षण करने के बाद दूसरे वार्डों में। भांगरे ने बताया कि जेल में संक्रमण से सुरक्षा के लिहाज से सावधानी बरती जा रही है। जेल में आने वाले इन बंदियों को रखने के लिए एक अलग वार्ड बनाया गया। इसमें से पैरोल से वापस आने वाले कैदियों को कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई और विचाराधीन बंदियों को रखा जाएगा। इन बंदियों को एक हफ्ते इस स्पेशल वार्ड में रखने के बाद दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरमान न्यूज, इंदौर।